सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी में आर्टिफाइजर अप्रेंटिस की जो एंट्री होती है उसका प्रमोशन कैसे होता है, टाइम टू टाइम प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होता है और अप्रॉक्सीमेटली कितने ईयर के बाद, कितनी सर्विस के बाद आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास वन बन जाते हो। तो सबसे पहले जो बंदा इनरोल होता है जब आप ज्वाइनिंग करते हो सर्विस में, जब आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, फिजिकल फिटनेस हो जाता है, मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप जाते हो INS चिल्का में। INS चिल्का में आप चले जाते हो, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग 2 से 3 महीने 4 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप एडवांस प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हो। तो उस समय अगर आप AA एंट्री के थ्रू आए हो आर्टिफाइजर अप्रेंटिस, तो आप बेसिक अप्रेंटिस होते हो। जब आप पहले दिन एंट्री कर लेते हो, जब आप पहले दिन चिल्का चले जाते हो, आप वहाँ पर एक नॉर्मल अप्रेंटिस होते हो। बेसिक आपके पे 21,700 की आपकी बेसिक पे होती है, बेसिक हैंड सैलरी होती है और इसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा DA अलाउंस वगैरह लग के आपको इतना पेमेंट मिलता है। ये सिर्फ बेसिक पे है, जो बेसिक पे आपको मिलेगा, मिनिमम जो आपको मिलेगा, इसके बाद इससे ज़्यादा इसके ऊपर एक्स्ट्रा अलाउंसेज लग जाते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो ये ड्यूरिंग ज्वाइनिंग का टाइम है जब आप नए नए ज्वाइन करते हो। इसके बाद ट्रेनिंग करते हो आप, मैंने जैसे बताया बेसिक ट्रेनिंग करते हो, फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हो, तो इस पूरे टाइम में 1.5 से 2 साल, 2.5 साल तक लग जाता है आपको ट्रेनिंग करते करते। तो 2 साल की सर्विस के बाद आप आर्टिफाइजर 5 बन जाते हो, आर्टिफाइजर 5th बन जाते हो। जब आप किसी भी अपने प्रोफेशनल स्कूल में ट्रेनिंग कर लेते हो, जब आपकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है, ये टाइम आपको सिर्फ ट्रेन करने का है। आपको बीच बीच में शिप में भी भेजा जाता है देखने के लिए कि आप शिप देख लो, शिप में कैसे रहना है, शिप की लाइफ कैसे है, और इस ड्यूरेशन में आपको बस सीखना होता है। तो ये 2 साल के टाइम में आपका पेमेंट भी थोड़ा बढ़ जाएगा, आप दूसरे लेवल पे जंप कर जाओगे। जब आप यहाँ से ट्रेनिंग सक्सेसफुल पास कर लेते हो, 2 साल की सर्विस के बाद आप आर्टिफाइजर 5 बन जाते हो। आर्टिफाइजर 5 से आर्टिफाइजर 4 के बीच में आपका एक कॉम्पिटेंसी नाम का छोटा सा टेस्ट होता है जो 6 महीने तक का होता है। 6 महीने का आपको शिप पे रह के अटैचमेंट करनी पड़ती है। जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाता है, आपको ये लेवल पार हो जाएगा, आप आर्टिफाइजर 4 बन जाओगे। इसके बाद जैसे ही हो जाएगा, मतलब इसमें भी करीबन 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस समय कितने लोग वैकेंसी में आए हुए हैं, कितनी सीट्स हैं, तो फटाफट ये काम जल्दी हो जाता है। तो अंदाज़ा में रफली मान के चलो तो 3 से 3.5 साल ज्वाइनिंग के बाद आप आर्टिफाइजर 4 बन जाते हो, आर्टिफाइजर 4 बन जाते हो 3.5 साल की सर्विस के बाद, 3.5 साल की सर्विस के बाद। उस समय आपका बेसिक पे इतना हो जाता है। आर्टिफाइजर 4 से आर्टिफाइजर 3-2-1 बनने में ये ईयरली प्रमोशंस हैं, आपके प्रोग्रेशंस हैं। जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आप आर्टिफाइजर 3-2-1 बन जाते हैं। और आर्टिफाइजर 3-2-1 ये अप्रॉक्सीमेटली आर्टिफाइजर 1 बनते बनते आप 6 ईयर्स की सर्विस हो जाती है आपको। इस समय आपका रैंक बढ़ जाता है, आप एक सीनियर सेलर की कैटेगरी में आ जाते हो। यहाँ पर ये जो लाइन मैंने खींच दी है, इसके बाद जो नीचे की रैंक है आर्टिफाइजर 3 या आर्टिफाइजर 1, आर्टिफाइजर कुछ भी आपका नागे है, ये लेवल भी 5 अल्फा हो गया और आप एक सीनियर सेलर की कैटेगरी में आ गए हो। आपके शोल्डर में एबोलेट्स आप पहनने लगोगे इस समय चीफ वाला, बट क्योंकि ये 6 साल की सर्विस के बाद आपने अचीव कर लिया है बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस। कई लोग को 7 साल भी लग जाते हैं अचीव करते करते, कईयों की परफॉर्मेंस बेकार है तो उनको 7.5 साल लग जाएंगे, 8 साल लग जाएंगे। ये टोटली आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, किस तरह का आपका एटीट्यूड है, किस तरह आप सर्विस में कर रहे हो। एक बार आर्टिफाइजर 3-2-1 आप बन गए, उसके 3 साल बाद आप चीफ पेटी ऑफिसर बन जाओगे। चीफ पेटी ऑफिसर अब एक रिस्पॉन्सिबल बंदा बन जाता है, या आर्टिफाइजर बन जाओगे, मेन आर्टिफाइजर हेड चीफ आर्टिफाइजर बन जाओगे आप, चीफ आर्टिफाइजर या चीफ पेटी ऑफिसर आप बन जाओगे। चीफ पेटी ऑफिसर बनने के बाद आपकी लेवल भी लेवल 6 में आ जाती है। 9 ईयर्स की सर्विस के बाद वेरी गुड केस में 8.5 to 9 ईयर्स की सर्विस में आप चीफ पेटी ऑफिसर, एक सीनियर सेलर, एक अच्छी किसी डिपार्टमेंट, किसी सेक्शन के इंचार्ज, किसी का हेड बन सकते हो। और इसमें आपकी पेमेंट भी अच्छी हो जाती है। 35,400 तो बेसिक पे है, इसके ऊपर सारे अलाउंसेस लगेंगे, एक्स्ट्रा टेक्निकल पे लगेगा, बहुत सब कुछ लगेगा, तो ये आराम से आपकी 48-50,000 तक पहुंच जाएगी। चीफ आर्टिफाइजर करते करते आपको
4 साल इसमें आपको करना पड़ता है, 4 साल बनने के बाद आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 2 बन जाओगे। 4 साल यानी 13 ईयर्स की सर्विस के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और ये टाइम बेस्ड नहीं है, ये सारा जो इसके बाद अब जो प्रमोशन होगा आपका, ये आपके परफॉर्मेंस बेस्ड है। बोर्ड में आपकी जो आपका हायर रैंक बोर्ड्स होते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो सब देखा जाएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो एक बार आप चीफ पेटी ऑफिसर बन गए, चीफ आर्टिफाइजर बन गए, उसके बाद नीचे आपका आना पूरा आपके परफॉर्मेंस, आपके एटीट्यूड और आपकी आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या सीखा है, जो आपने जूनियर रैंक्स में यहाँ सीखा है उसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर बन जाएंगे, रैंक और पेमेंट अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद 16 ईयर्स की सर्विस के बाद आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1 बन जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको बताया बेसिक आप किस रैंक से चीफ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक बन सकते हैं और ऊपर आपका प्रोग्रेशन होगा। आर्टिफाइजर अप्रेंटिस के केस में बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही इनोवेटिव बंदे आजकल जो आते हैं नेवी में, वो अपना टैलेंट दिखाकर बहुत ही जल्दी अपनी प्रोग्रेशन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रमोशन कर लेते हैं और नेवी को एक नए लेवल पे लेकर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो जितना भी आपके अंदर कॉम्पिटिशन है, जितना भी अच्छा आपका एटीट्यूड है, आपको उसको मेनटेन रखना है और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं नेवी में, ताकि नेवी आपको और अच्छी तरह से और बेनिफिट्स और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स नेवी भी आपको देगी। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला के बताता रहूँ।